हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं वर्षा कैलकुलेशन का क्षेत्रमिति चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे और पार्ट 2 में फिलिंग दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक MCQ के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन के साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ही उसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है कि बिकर्डों की संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, बिकर्डों की संख्या का एक क्वेश्चन आया हुआ है नए का, तो इसको बताऊंगा। और उसके बाद सम खड़भुज का आयतन है ना, हेक्सागोन का आयतन क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो उसको मैं बिना फार्मूले के सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और इसमें मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया है कि काफी सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर में दिए हुए हैं, 2 बार 3 बार आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, तो आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान रखें क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मैं 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ, तो यानी यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा तेजी से देखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स 50 मिनट की वीडियो हो सकता है बन जाए। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। तो हम देखें, किसी ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार व ऊंचाई 10 और 8 है। तो मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है, आधार गुणते ऊंचाई। तो बस आधार और ऊंचाई दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10/80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 60 मिमी लंबी है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मैंने बताया था √3/4 × भुजा का स्क्वायर, तो √3/4, भुजा है 60 मिमी, तो 60 × 60, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 15, 15 × 6 = 90, 900 हो गया। √3 का वैल्यू पता है 1.732, जिसको याद नहीं हो याद कर ले। ठीक है, 2 0 पहले बढ़ा लीजिए, उसके बाद 9 का गुणा कर लीजिए, तो आप जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 155 है ना, 8 8 कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 अंक पे पॉइंट लगा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 हो तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, जब वृत्त की परिधि दिया है 44, तो क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आप क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr, और इसकी वैल्यू दिया है 44। और ये पिछली वीडियो में भी ये मैंने बताया है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसका 154 आंसर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है, बट यहाँ भी बता देते हैं आपको, बराबर 44, तो 22 × 44, 44 से 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल अगर निकालना चाह रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई की जगह पे हो गया 22/7, आर की जगह पे हो गया 7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो 22/7 कितना हो गया, 154। ठीक है, इसमें लिखा है यदि किसी ठोस सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल और इसका वॉल्यूम, यानी आधार का क्षेत्रफल दिया है और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो आयतन होता है वो कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो आयतन दे रखा है, आयतन कितना दिया है, 69.3। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 13.86। तो आपसे ऊंचाई पूछा है, तो बस ये 69.3 है, 13.86 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई आपकी निकल जाएगी। तो देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 है, तो 1 0 आप यहाँ बढ़ाइए और इसको इससे काट दीजिए। अब 6930 को जब 13.86 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 60 मिमी व्यास धातु की सीट को काटे जा सकने वाले एक वर्ग का अधिकतम आकार निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए, 60 मिमी व्यास, तो अच्छा व्यास जब 60 मिमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं है। धातु सीट से व्यास है ना, मतलब एक वृत्त टाइप का है, व्यास तभी होगा ना जब वृत्त होगा, तो एक वृत्त टाइप का है, और इसमें से जो है एक वर्गाकार सीट काटना है, मतलब कुछ है सीट काट के निकालना है। तो बोला है सीट में इस सीट का भुजा का लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, भाई यहां से यहां तक त्रिज्या और यहां से यहां तक त्रिज्या, टोटल त्रिज्या मिल गई, तो क्या बन गया, व्यास, और व्यास कितना दिया है, 60 mm दिया हुआ है, तो ये हो गई 60।
अगर ए वर्ग है तो इसकी भुजा अगर ए है तो इसका लंबाई कितना होता है, ए रूट टू, मैंने बताया है पहले वाले लेक्चर में। तो ए रूट टू का वैल्यू दिया है 60, तो ए बराबर कितना हो गया, 60 अपॉन में रूट टू, ठीक है, 60 अपॉन में रूट टू 60 हो गया। अब क्या करिए आप, रूट टू से ऊपर गुणा रूट टू से नीचे, फायदा क्या हुआ देखिए, 60 रूट टू, रूट टू का रूट टू में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कट गया, कितना आ गया 30, तो आ गया 30 रूट टू, है ना, 30 रूट टू, 30 रूट टू का वैल्यू रख लो 1.414, अब इसका गुणा कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखें। 56, 4.2 सेंटीमीटर कोर वाले घन से सबसे बड़े समकोण गोलाकार शंकु का आयतन बताइए। कोर वाले घन से सबसे बड़े समकोण गोलाकार शंकु का आयतन पूछा है, ठीक है, यानी ये दिया है ए का मान, सबसे बड़े समकोण गोलाकार शंकु, तो गोलाकार जो शंकु होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ये है, इसमें से एक शंकु काट के अगर आप निकालेंगे सबसे बड़ा, तो मतलब कुछ ऐसा कट के निकलेगा इस तरह का, तो यानी इसकी जो त्रिज्या होगी उसके कोर की आधी होगी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कोर का आधा मतलब ए बाई टू, तो 4.2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.1, और जो इसकी ऊंचाई होगी इसके कोर के बराबर होगी, एच बराबर कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो शंकु का आयतन मैंने बताया है 1/3 πr² h होता है, तो 1/3 π की जगह पर रख लीजिए 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है 2.1, 2.1, एच का वैल्यू कितना है 4.2, 7 से कट जाएगा 0.3, 3 से कट जाएगा 0.7, अब इन सबका आप गुणा कर लीजिए आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्या करना है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ गया आपको, कि जो इसका कोर है वो जो है व्यास के बराबर होगा, उसको आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, और जो इसका कोर है इसकी पूरी हाइट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तभी तो आप इसमें से काट के इसको निकालेंगे, कुछ इस तरह से होता है ना शंकु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। त्रिभुज का आधार बी है, ऊंचाई एच है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार बुढ़ते ऊंचाई, यही आंसर हो जाएगा, है ना, 1/2 आधार बुढ़ते ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखें। एक समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो बराबर नहीं होती, बट दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है समद्विबाहु त्रिभुज। बोला है किसी वृत्त की परिधि को 50% घटा दें। अगर आपके वृत्त की परिधि की बात करें या वृत्त की त्रिज्या की बात करें, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वृत्त के क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगा आपको बताना है। तो त्रिज्या मान लीजिए 50% घट रही है ना, यानी -50, तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, πr², पाई कांस्टेंट होता है, r² के हिसाब से जब फार्मूला बनाएंगे तो ये फार्मूला आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया -50, -50 प्लस -50 इंटू -50, नीचे क्या आ गया 100, दो जीरो कट गया, -50 -50 100 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस, 5 × 25, तो ये कितना आ गया -75, ये माइनस बता रहा है कि 75% घटे आएगा, यानी 75% की कमी हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। चैलेंजिंग वीडियो में मैंने इसका दूसरा भी तरीका बताया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है, वो बेस्ट तरीका होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक शाफ्ट है जिसका व्यास 20 मिमी है और लंबाई इतना है, तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शाफ्ट का व्यास दिया हुआ है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 मिमी है तो ये 10 मिमी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल हमको सेंटीमीटर में निकालना है, तो 10 मिमी में होता है 1 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई h दिया हुआ है 100 मिमी मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल बोला है, तो पार्श्व तल का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है 2πr h होता है। ठीक है, तो 2π की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं, पाई कितना हो जाएगा 3.14, आर की वैल्यू हो गई 1, एच का वैल्यू हो गया 10, बस इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 2 6, 10 का गुणा करेंगे यानी एक अंक पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 62.84 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एक 20 सेंटीमीटर व्यास के गोली सीआई को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसका आधार इतना है, तो आधार यहाँ पे जब तक आधार की त्रिज्या न लिखे तब तक आप मत समझिए कि त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे केवल आधार दिया है तो आप समझिए व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो व्यास दिया है 30, ये भी इंपॉर्टेंट करके समझिएगा, जब तक आधार की त्रिज्या नहीं लिखेगा आप आधार की त्रिज्या नहीं मानेंगे, यहाँ पे आधार लिखा है तो आप समझिए व्यास, तो यहाँ से जो त्रिज्या मिलेगी आपको आधी मिल जाएगी यानी 15, और पहले जो त्रिज्या 20 थी, व्यास 20 था, तो इसकी त्रिज्या कितनी मिल गई 10 मिल गई। ठीक है, तो
इसको पिघला के बनाया जा रहा है, तो इसका आयतन क्या होगा? जब पिघलाने की बात करेगा तो मतलब आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो पहले था गोला, तो उसको पिघला के बनाया गया शंकु, तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के, तो 4/3 πr³, ये हो गया गोले का आयतन, बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, तो 1/3 πr² h, बस वैल्यू रख लीजिए। देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 4 r की जगह पे कितना हो गया, 10 × 10 × 10, ठीक है, बराबर यहाँ पे r² की जगह पे क्या हो गया, 15 × 15 और × h। अब ये दोनों 15 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको 5 से काट लीजिए, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 4 × 2 = 16, 160, और 3 × 3 = 9 आ गया, ठीक है। अब 9 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.78, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक की बात कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², क्यों? क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं और एक जगह पे 2 रखा हुआ है, 2 वैल्यू दिया है, तो 6 × 6 = 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यदि समान व्यास के 2 गोलों के पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाए तो नए गोले की त्रिज्या, तो समान व्यास के हैं मतलब दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, 2 गोले हैं तो दोनों को पिघला के, और पिघलाने की बात करें तो मतलब क्या है, आयतन की बात कर रहा है, तो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन फिर बड़े वाले गोले का आयतन, ठीक है। तो पहले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 4/3 πr³ प्लस 4/3 πr³, ठीक है, और बड़े वाले गोले का आयतन मान लीजिए 4/3 π बड़ा वाला r³, है ना। अब इन दोनों में से देखें, 4/3 π 4/3 π 4/3 π पूरा कट जाएगा, r³ मिला के कितना हो गया, 2 r³ बराबर कैपिटल r³। तो यहाँ से जब क्यूब रूट लेंगे तो इधर बचेगा r और क्यूब में आ जाएगा 2 और इधर से एक r बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1.2599, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो जो पहले वाले की त्रिज्या थी उसका इतना गुना हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेमोरी में याद कर लीजिए, क्योंकि आप सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, तो ऐसे फिलहाल सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू ये होता है, ये याद कर लीजिए, जैसे √2 का वैल्यू आप याद करते हैं वैसे √2 का वैल्यू आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसके एक सेक्टर की माप की लंबाई 28 है, तो उस सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज ये वृत्त हो गया, तो उसकी ये त्रिज्या होगी 14 × 14, ठीक है, ये उसका केंद्र है, उसका ये दिया गया है 28, ठीक है। तो कोण बराबर आप याद कर लीजिए कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो चाप यहाँ पे दिया गया है 28, त्रिज्या हो गई 14, आंसर कितना आया, 2, तो थीटा का मान तो 2 आ गया यहाँ पे। मैंने एक फार्मूला बताया था क्षेत्रफल वाला, θ/360 × πr², तो थीटा की जगह पे रख दिया 2, 360 की अगर बात करें तो उसके जगह पे आप लिख सकते हैं 2π, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, है ना, तो इसके जगह पे मैंने रख दिया 2π, तो ये हो गया πr², तो देखिए पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, r², और r की वैल्यू आपने कितना रखा है, 14 × 14, तो 14 का 14 में गुणा करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 196। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए जो मैंने बताया हुआ है, आप इसको जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, किसी बेलन की ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, तो आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन मैंने फार्मूला बताया है, πr²h, पाई की जगह पे वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है, 14 × 14, और ऊंचाई कितना दिया है, 21, 7 से इसको काट लीजिए, 7 × 2 = 14, बस इन सबका आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ½ βkρ का गुणनफल, तो ½ d1 d2 मैंने बताया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक वर्गाकार स्टील जिसकी प्लेट की एक कोर दिया गया है, तो इसका परिधि, वर्ग में सारी कोर बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों की वैल्यू 28 होगी, और परिधि का मतलब कुल भुजाओं का योग, इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समवर्णी त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 100 mm, 100 mm दिया है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है,
तो इसको आप सेंटीमीटर बना दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब आपकी जो लंबाई निकलेगी वो भी सेंटीमीटर में निकलेगी, फिर उसको हम मिलीमीटर बना देंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1000 है। इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आधार। आधार कितना दिया है, आधार हमको निकालना है, ठीक है। तो आधार इंटू ऊंचाई कितना दिया है, 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, 2 का उधर गुणा हो जाएगा, तो 200। अब 200 ये आया किसमें, सेंटीमीटर में। इसको मिलीमीटर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन आपका 20 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में फॉल्ट है। यहाँ पे इसको मिमी ही लिखना चाहिए, अगर यहाँ पे मिमी करके देखें तो आंसर आ जाएगा। मैं एक बार लगा के चेक करता हूँ, ठीक है। इसको मान लेते हैं मिलीमीटर ही है, तो यहाँ पे इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 1000। तो 1/2 आधार दिया है 100, ठीक है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो आपको निकालनी है। अच्छा, ऊंचाई दिया था 100 और आधार आपको निकालना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुणा में ही है। 2 0 से 2 0 कट गया, तो आधार कितना आ गया, 2 का उधर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दुना 20। और सारी वैल्यू मिमी में था इसीलिए 20 मिमी आंसर आएगा, तो यही वाला आंसर होगा। तो आप किताब में इसको मिमी सही कर लीजिए तो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, एक शंकु के छिन्नक के वक्र तल को मापने के लिए सूत्र बताइए। तो छिन्नक का जो वक्र तल होता है, वक्र तल का मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है ना, क्षेत्रफल नापने की बात हो रही है। तो इस ऑप्शन में देखें R² × H, और जहाँ पे R² H आ जाए मतलब ये आयतन की बात कर रहा है, तो मतलब ये होगा ही नहीं। और किसी भी फार्मूले में अगर क्षेत्रफल की बात होती है तो माइनस नहीं आता है, ठीक है, माइनस जनरली नहीं आता, प्लस ही आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2πRH बेलन का आयतन होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहीं चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका मैंने फार्मूला नहीं बताया था, मगर इस तरह से आप ऑप्शन कटिंग करके आप इसको निकाल सकते हैं कि यही आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक घन का आयतन इतना है तो इसकी कोर बताइए। तो घन का आयतन कितना होता है, A³ बराबर दिया है 7220, तो A बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 7220, बस इसका आप क्यूब रूट निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्यूब रूट निकालना है, अगर मान लीजिए आप क्यूब रूट नहीं निकाल पाते तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, A³ जो दिया हुआ है ना, A³ इसका मतलब है कि A × A × A, और यहाँ पे जो जितने भी आंसर आए हैं ये A का मान दिया हुआ है, A का मान है। आप ये चेक करिए कि A को 3 बार गुणा करेंगे तो किसको गुणा करने पे 7220 आ सकता है। अच्छा, आप 25 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 25 × 25 × 25, तो 25 25 हम 625 होता है, और 625 का फिर 25 में गुणा करेंगे तो 15625 होगा, जबकि यहाँ पे 7000 है, तो 25 तो आंसर होना ही नहीं है। और ये भी लगभग 22.5 है तो भी ये भी आंसर नहीं होगा, और ये तो बहुत ही ज़्यादा है तो ये होना ही नहीं है, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे सॉल्व नहीं कर पाते तो आप चेक भी कर सकते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इतना माप वाले किसी में पुताई करवाने के लिए खर्च होंगे 50 रुपये पर m³। मीटर क्यूब सीधे सीधे बता देता है कि भैया आयतन निकाल लो, ठीक है। तो चारों दीवार को पुताई करना है और छत की पुताई करना है, तो चारों दीवार का मतलब 2l+b × h होता है, और छत की पुताई का मतलब lb, छत ऊपर वाली लेंथ इंटू ब्रिथ ही तो होता है उसमें। बस यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, l कितना दिया है 10, b है 5, और h कितना दिया है 3, 10 × 5, 10 5 15 × 30, 90 हो गया ये, और ये 50, तो ये टोटल हो गया 140, ठीक है। और 1 m³ का खर्चा दिया है 50 रुपये, तो आप जो है 140 m³ का खर्चा, यानी 140 × 50 सीधे हो जाएगा, ये 7000 रुपये आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है तो आ सकता है पेपर में। अगला देखें, 7 mm 7 mm त्रिज्या वाली एक स्टील बॉल को पिघला करके, पिघलाने का जहाँ पे बात आ जाएगा मतलब आयतन की बात हो रही है, ठीक है, उसे 1 mm त्रिज्या वाली छोटी बॉल बनाई जाती है तो कितनी। तो मैंने क्या बताया था, बड़ी बॉल का आयतन अपॉन छोटी बॉल का आयतन, तो बड़ी बॉल का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। नीचे छोटी बॉल का आयतन यानी 4/3 πr³ गोले का आयतन, क्योंकि बॉल गोले की तरह होता है, तो इससे कट गया।
आर की वैल्यू दिया है 7 × 7 × 7, ये हो गया 1 × 1 × 1। अब 3 बार 7 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 343 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक आयत का परिमाप दिया है 320, इसकी भुजाएं इतनी हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं को आप समझिए कि 5x है और ये कितना है, 3x है। तो अगर क्षेत्रफल की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले देखें आयत, पहले x का मान तो निकाल लीजिए। तो ये है 5x, ये है 3x, तो ये भी कितना होगा 5x, ये भी कितना होगा 3x। तो इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो है 320, और परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। तो इन सबको चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 × 3 = 8 = 16x = 320। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 32 = 20 आ गया, ठीक है। तो बोला है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये हो गया 5x × 3x। तो 5x जगह पे रखा 20, 3 के जगह पे भी 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 10 = 30 × 60 और 2 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6000 आपका आंसर आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो इसकी ऊंचाई अगर इतनी है तो इसका आयतन बताइए। अच्छा, लंबाई 8x दिया है, चौड़ाई 5x दिया है, और ऊंचाई 2x दिया है, और 2x की जगह पे बोल दिया है कि 25 है, ऊंचाई 25 दिया है। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, 25/2, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बोला है कि पेट्रोल टैंक इसकी इसका आयतन, तो जो भी टंकी होगा वो घनाभ के आकार का होगा, तो उसका आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल की जगह पे हो गया 8x, 5x और 2x, तो ये कितना हो गया, 8×5 = 40 × 80, और x की वैल्यू कितना है, 25/2, 25/2, 3 बार है ना x, तो 25/2, बस 2 × 4 × 8, 8 से कट गया 10 बार में, और ये हो गया गुणा करेंगे तो 15625। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 200 mm है, क्षेत्रफल इतना है, तो कोर की माप बताएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर कोर पूछ रहा है, तो समद्विबाहु है, इस चीज़ का ध्यान रखें, आधार दिया है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है। तो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना दिया है, 2000, तो हाफ आधार दे रखा है 200, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी हाइट, ठीक है। तो देखिए 200 से 200 कट गया 10 बार में, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो हाइट हो गया 20, मतलब ये जो आपका समद्विबाहु है कुछ इस तरह का बना, आधार हो गया 200 और ये हाइट हो गई 20, तो 200 जब लंब डालेंगे तो ये बन जाएगा 100, ठीक है, ये हो गया 100 और इधर का हो गया 100। तो आपसे पूछा है कोर की माप, मतलब इस भुजा की माप पूछा है, ठीक है, इस भुजा की माप, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है उसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो इसी भुजा की माप आपसे पूछा है समद्विबाहु में, तो ये आपका कर्ण है और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 20 का स्क्वायर होगा 400, इसका स्क्वायर होगा 10000, ठीक है, बस ये हो गया 10400। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 101.98 आएगा, ठीक है, और इसको लगभग 102 मान लिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में आर और एच बनाने वाले बेलन के तल का सूत्र बताइए, है ना। तो तल के सूत्र में देखें, लेटरल सरफेस एरिया सब में है, तो ये तो सही है, ये तो होगा ही, बाकी ये वाला एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर और ये वाला एरिया, इन दोनों को काउंट करके साइड में लिखा हुआ है, तो इसका भी कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, मगर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 दिया है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 दिया है, तो मतलब ये गलत हो गया। अब इस 2 पाई आर स्क्वायर को बस आप चेंज कर दीजिए डी के रूप में, तो 2 पाई आर के जगह पे आप क्या रखेंगे, d/2, इसका स्क्वायर कर दिया तो हो गया 2 पाई d² / 4, तो देखिए 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, πd² / 2, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोर की माप a है, उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल देंगे,
रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला ही है। नेक्स्ट देखें, एक गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या की आधी है, पहले गोले की तुलना में दूसरे गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मतलब इसको 100% मान चल सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आठ, ये भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं भाई? 6 पृष्ठ होते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 6a², तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब समबाहु त्रिभुज का मैंने सब कुछ बताया था, ऊंचाई में बताना भूल गया था, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, भुजा ए होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण 60-60 के होते हैं समबाहु त्रिभुज के, ठीक है। और जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a, इसको याद कर लीजिए, √3/2a, इसलिए आपका आंसर होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, क्षेत्रफल √3/4a² होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2a होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र निकालिए। तो ये भी पिछले वीडियो में आ चुका है, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखें, ए आर है और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल पाई आर है, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल आप परिधि आप निकाल रहे हैं, तो पाई आर प्लस आर ऐसे निकालेंगे ना, तो हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ से r कॉमन हो गया तो क्या मिला? पाई प्लस 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे बी दिया हुआ है, वो गलत है, तो आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बुकिंग आयामों का क्रम क्या होता है? भाई कुछ नहीं, पहले लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। पहले चौड़ाई नहीं आ सकता, पहले ऊंचाई नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। अगला देखें, यदि आयताकार माइल्ड स्टील की प्लेट है, मतलब आयताकार प्लेट है कोई, उसकी चौड़ाई को बी से दिखाया गया है और लंबाई को बताना है, तो लंबाई को एल मान लीजिए, निकालना है। तो अगर ए एल है तो ए बी एल होगा और ए बी होगा, तो उसका परिमाप यू बराबर क्या होगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो एल का मान बताना है, तो सॉल्व करिए इसको। देखें, एल एल 2l प्लस 2b हो जाएगा, तो u माइनस 2b बराबर 2l, तो u माइनस 2b नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे l का मान आ जाएगा। अगर यहाँ पे अच्छा देखें, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको अलग कर लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि u को भी 2 से डिवाइड किया गया है, 2b को भी 2 से डिवाइड किया गया, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला? u अपॉन 2 माइनस b बराबर क्या आ गया? l। तो l का मान ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए रेखा चित्र में हेक्सागन प्रिज्म में यदि एल बराबर 30 है, मतलब ये वैल्यू 30 दिया है, और इसका आयतन इतना है, तो किनारे में बी की लंबाई बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई फार्मूला आप अगर याद करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप देखें कैसे करेंगे, ये रेगुलर हेक्सागन है, तो आप यहाँ पे अगर इसका एक केंद्र है तो इसके कितने 6 पार्ट बनेंगे, 6 त्रिभुज बन जाएंगे, और छेव कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज होंगे, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6 बन रहे हैं, तो 6 इंटू इतना हो जाएगा, तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। अब आधार के क्षेत्रफल में ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। अब आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, ऊंचाई कितना दिया है? 30, तो आपको क्या मिलता है? आयतन ही तो मिलता है, और आयतन दे रखा है 6378, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला हम उसका नहीं बता रहे, क्योंकि उसका फार्मूला थोड़ा सा लंबा होता है और सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 6378 मल्टीप्लाई में 4 जाएगा, 6 इंटू √3 इंटू 30, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट उसका ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि ये ऐसा होता है, आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो आयतन मिल जाता है, ठीक है। मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, आई मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप कमेंट में करके बताएं कि हाँ सर मैंने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो देखें अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग की भुजा बताएं। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर।
ए वैल्यू दिया है 23.04, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 23.04। अब इसका रूट निकालने अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे 4 है तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आता है और 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में इसके भी 4 मिल रहा है, तो मतलब 2 8 में से कोई ना कोई आंसर आएगा। अब यहाँ पे इधर वाले 23 को देखते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसका शॉर्ट वीडियो डालूंगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब 23.04 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 लेंगे। अब 4 तो फिक्स हो गया कि ए बराबर, यहाँ 4 तो आना ही आना है, बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 या 8 में से कोई आएगा, तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं, तो 4 और 1 मिला के कितना हो गया 5। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो कितना आ गया, 5 चौके 20। अब 23 को देखते हैं कि बड़ा है छोटा है, तो 23 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला आंसर यानी 8 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसका बोला है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, कह रहा है कि एक वर्गाकार लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल इतना है, तो लकड़ी की भुजा अंडर रूट, अभी बताया ऐसा ही क्वेश्चन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, अभी सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन बताया। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, आयत की परिमिति मतलब परिमाप, आयत का परिमाप अगर इतना है, भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल, अभी पीछे यही क्वेश्चन सॉल्व किया 6000 आया था, तो आप इसको देख लीजिए, 2 3 बार रिपीट हुआ है, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग की भुजा अगर 25% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, इसके हिसाब से फार्मूला बनाएंगे तो यही बनेगा, ठीक है ना, अपॉन 100। अब 25% की वृद्धि हुई है मतलब +25 रखेंगे, कमी होती तो माइनस रखते, ठीक है। 25 × 25 नीचे कितना आ गया, 100। इसका मैंने चैलेंजिंग वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो आ जाएगा 56.25, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों विकर्ण का मान अनिवार्य रूप से बराबर नहीं है, तो देखिए इसमें तो अनिवार्य रूप से बराबर होता है, इसमें भी अनिवार्य रूप से होता है, और इसमें भी अनिवार्य रूप से होता है, इसमें अनिवार्य रूप से नहीं हो सकता, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समचतुर्भुज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोरी में रखिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो सन्निकट कोणों के समद्विभाजक, देखो जो सन्निकट कोण के समद्विभाजक होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, और जैसे मान लो कोई भी भुजा है, अगर आप उसको समद्विभाजित करेंगे ना, तो जब भी समद्विभाजित करेंगे वो 90 डिग्री पे ही काटेगा, तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री, ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज को अगर आप समद्विभाजित करते हैं तो 90 डिग्री पे काटता है, किसी भी चीज नहीं, भुजा को अगर डिवाइड करेंगे, कभी भी समद्विभाजित करेंगे तो 90 डिग्री पे काटेगा किसी भी भुजा को, ठीक है ना। किसी खड्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, अब देखें यही चीज मैंने बताया था कि आपके इसमें कोर्स में एक दे दिया है कि विकर्णों की संख्या, तो मैं इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि जो विकर्णों की संख्या होती है बहुभुज में, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, चाहे वो 3 भुज का हो चाहे 4 भुज का, आप इसको याद कर लीजिए, एन एन माइनस 3/2 होता है। यहाँ बोला है खट कोण में, मतलब n बराबर कितना है, 6 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 6 6 - 3 डिवाइड में 2, अब 2 से इसको काट लेंगे 3, ठीक है ना, तो 3 हो गया, 6 में से 3 गया 3, तो 3 3 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 विकर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं ड्रा करके देख लूंगा तो नहीं कर पाएंगे, तो आप इस फार्मूले को याद रखें। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि को दर्शाया जाता है, वृत्त की परिधि को 2πr से दर्शाया जाता है, ठीक है, 2πr। अच्छा एक चीज देखे, पाई और 2r को अगर एक साथ कर लें तो 2r मतलब किसका दोगुना होता है, डायमीटर, डायमीटर बराबर 2 × r होता है, तो पाई डी भी लिख सकते हैं, तो पाई डी भी दिखा जा सकता है, इसीलिए ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका शीर्षलंब उसके आधार का दोगुना हो, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था क्या होता है, आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल दिया है 72, अब बोला है आधार का दोगुना है, तो आधार को आप x मानिए, आपको आधार निकालना है मतलब x का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, और ऊंचाई उसकी क्या है, दोगुनी है, मतलब 2x है, ठीक है, तो 72 बराबर 2x स्क्वायर,
टू इधर आके डिवाइड कर देगा इसको, तो बन जाएगा 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वृत्त और अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन टू होता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, इधर मिला 1, इधर मिला 1/2। अब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2:1 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना होने पाए, ठीक है ना। तो आपको अगर तेजी से लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगली बार से वीडियो जो भी बनाऊंगा ये वर्कशॉप वगैरह का, तो मैं उसको थोड़ा आराम से बताऊंगा, ठीक है। एक वृत्तीय कुएं का व्यास 2 मीटर और गहराई 14 मीटर है, व्यास अगर 2 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या 1 मीटर हो जाएगी, गहराई मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर, तो डिग करने का आयतन, खुदाई करेंगे तो आयतन कितना होगा, तो आयतन कितना होगा, जो कुआं होता है ना वो किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू हो गई 1 × 1 और ऊंचाई हो गई 14, 7 से इसको काटेंगे 2, 22 गुना कितना हो गया 44 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल को व्यक्त किया जाता है पाई आर स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, ये तो सही है। अब देखे पाई आर स्क्वायर से तो किया ही जाता है पाई, अब इस आर के जगह पे आप लिख सकते हैं डायमीटर का आधा यानी व्यास का आधा डी स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4, यानी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैंने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करा दिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें मिली हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, और ये देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है ना, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आराम से आप एग्जाम में कर सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आप वीडियो अगर आप लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग बस एक छोटा सा थैंक्स का अगर कमेंट कर दें तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।